व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है कितने बजे है, 11 बजे स्टार्ट होता है। तो आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहना। देख सकते हो हम कल गए थे राबड़ा, हमारे गांव के पास एक गांव है वहां पर, और वहां पर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ी सी शर्म लगती है, क्योंकि वहाँ सब घर के लोग होते हैं और सब सामने देखा करते हैं इसलिए। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे डॉगी को। तो गाइस ये हमारा डॉगी, इसका नाम है टॉमी। आप देख सकते हो अभी कल बारिश आई थी इसलिए इसे हम हमारे घर के पास में ही ऐसे गैलरी जैसा कराया हुआ है तो उसमें इसे डाल देते हैं। जब बारिश आती है तब तक वो यही पर रहता है। आप देख सकते हो इसे, यहाँ बहुत मजा आता है। देखो टॉमी, ए टॉमला, टॉमी देख सकते हो गाइस, वो अभी सामने भी नहीं देख रहा। ठीक है, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ, ऐसा वो बोल रहा होगा। लेकिन विलेज लाइफ तो विलेज लाइफ होती है गाइस। अभी मैं जस्ट जगा ही था और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप लोगों को पता हो कि क्या है। आप देख सकते हो इसके पन्ने, आपको ये सब सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो, जिसको भी इसका नाम पता है कमेंट में बताए, और जिसकी कमेंट सच होगी तो हम उससे बात करेंगे। आप देख सकते हो इतने बड़े, देख सकते हो जिसको भी नाम पता हो। आप देख सकते हो मेरा हाथ तो इस पर कुछ भी नहीं है, मैं अपना हाथ रखता हूँ, रुको दो मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। कि आप देख सकते हो, देखो ये मेरा हाथ है और ये पन्ना, देख सकते हो कितना बड़ा है, मेरा हाथ के बराबर है। और ये देख सकते हो हमारा आम का पेड़, हमारे घर आम का भी पेड़ है। आप देख सकते हो चाहे अभी अभी तक इसमें आम आया नहीं है लेकिन अब आने लगेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, हमारे बगीचे में क्या क्या चीज है सब दिखा देता हूँ। देख सकते हो गुलाब, रोज, आप जो भी बोलते हो। और ये है हमारी, क्या है आप लोग कमेंट में बताना जिसको भी पता हो। गुजराती वाले कोई न मत बताना, हिंदी वाले सब बता देना सी, ठीक है गाइस। गुजराती हो गए उसको तो पता ही होगा कि क्या है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको भी पता हो वो बता देना। आप देख सकते हो इसकी लंबाई, देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक, जिसको भी पता हो इसका नाम। मुझे तो पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लिए आप लोगों के लिए सस्पेंस है कि वो क्या है, आप लोग कमेंट में बताना। और ये है, ये भी कुछ है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, मेरे पापा ने लगाया था। ये इतना सा झाड़ था, इतना सा लाया ना तब, अब तो देख सकते हो आप। ओ इस, ये जो हमारी बाउंड्री है उससे भी बड़ा हो गया, देख सकते हो आप। ये हमारा गेट है, लोगों ने देखा ही होगा हमारे व्लॉग में, और यहाँ पर भी है लेकिन ये वो बढ़ नहीं रहा है, इतना ही छोटा ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। आप देख सकते हो ये भी एक साल पुरानी है, आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया, और वो तो उससे भी बड़ा हो गया आम का पेड़। ये नीम का पेड़ है हमारे घर पर, और यहाँ पर बैठने का कुछ और ही मजा आता है गाइस। आप लोग एक बार देखना बैठ करके कैसा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है यार। और क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे घर में खाने की चीज तो बहुत ज्यादा है। देख सकते हो ये है दाड़म, गुजराती में बोलते हैं, और इसको गुजराती में बोलते हैं गुंदा, क्या गुंदा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बता देना। ये वीडियो, ये व्लॉग जो है पूरा सस्पेंस वाला है तो आप लोग बता देना, इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं दूसरे व्लॉग में आप सभी को बता दूंगा कि इसका क्या क्या नाम है। और ये है, इसको गुजराती में तो जमरूक बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो भी हिंदी भाई हमारे व्लॉग ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता देना कि क्या है, क्या नाम है उस। अब देख सकते हो फल कितना बड़ा बड़ा आ गया, अभी उसे नीचे उतारना होगा वरना जो पोपट और दूसरे पशु पक्षी होते हैं वो उसे नुकसान पहुंचाते हैं और खा जाते हैं, खा जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और
आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना। अभी तो लोग स्टार्ट ही हुआ है और मैंने आप सभी को दिखा दिया है कि हमारे घर में कौन कौन से पेड़ है, कौन कौन से झाड़ है, सब कुछ दिखा दिए। और रुको, एक 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 बात और, मेरे मम्मी ने यहाँ पर देख सकते हो यहाँ बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है, देख सकते हो। हम खुद के बैंगन खाते हैं, यहाँ पर छोटा सा बैंगन आया हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। देखो गाइस, बैंगन ये आप अपने घर पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी। ये आपको कहीं पर भी इसके जो आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर छोटा सा बैंगन आया हुआ है देखो, और यहाँ पर भी फूल आया हुआ है। तो मतलब मैं बात कुछ ऐसी है कि आप इसको अपने घर पर भी लगा सकते हो, बस उसे पानी चाहिए। पानी देते रहोगे तो वो बड़ा होता रहेगा। बस एक ही बात बोलनी थी कि आप अपने घर पर जितना भी हो सके इतना पेड़ लगाए, और व्लॉग में कंटिन्यू रहना। आप देख सकते हो हमारे घर पर पेड़, यहाँ हमारे गेट से स्टार्ट होता है, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी नीम का पेड़ है, वहाँ पर भी सब पेड़ है, देख सकते हो वहाँ पर भी सब पेड़ है। आप लोग हमारे घर में आएंगे तो आपको लगेगा कि हम जन्नत में आ गए हैं, और ये जगह ही ऐसी है कि जो भी आते हैं बोलते हैं वाह यार क्या जगह है आपके पास, आपको इसको बेचनी है। हमने कहा नहीं बेचनी है, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं बना ली थी, और ये जो है ये जगह वो बेचने के लिए नहीं ले थे, और ऐसी जगह बेचने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह में जन्नत का महसूस होता है। आप लोग देख ही सकते हो, आप एक बार आओ और देखो कि कैसा फील होता है, देख सकते हो। तो गाइस अभी हमने हमारा कॉमेडी वीडियो जस्ट अभी एक घंटे पहले पोस्ट किया था, तो उसमें एक घंटे में 800 व्यूज आ गए, तो बहुत अच्छा खासा व्यूज निकाल के आया है, क्योंकि उस वीडियो में मेहनत भी इतनी थी और मैं इसके लिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ वीडियो शूट करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं फ़ोन रखता हूँ अपना, यहाँ खड़ा ऐसे फ़ोन रखता हूँ, आप देख सकते हो ऐसे, और मैं यहाँ पर जस्ट खड़ा रहता हूँ इतना दूर, और 10 सेकेंड का लगा देता हूँ, फिर 10 सेकेंड बाद उसमें से आवाज़ आने लगती है और हमको पता लग जाते हैं कि अब हमारी बोलने की बारी आ गई, तब हमें बोलने लगने का। ऐसे मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा जो दोस्त है और मेरे बुआ का लड़का है तो अब वो भी उसके घर गया है पाउथी, इसलिए नहीं आ इसलिए ऐसे शूट कर रहा हूँ, पर वो आ जाएगा तो सब सब ठीक हो जाएगा, वो 1 तारीख को आ जाएगा पक्का है। और एक बात ऐसी थी कि आज हमारे दोस्त की शादी थी, कल्पेश नाम है उसका, तो सॉरी कल्पेश हम आपकी शादी में नहीं आ सके, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन के वजह से, और हमारा नक्की ही था आने का, फाइनल था, लेकिन हम नहीं आ सके, इसलिए सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि किशन है उसने एन टाइम पर मना कर दिया, तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ यार। और अभिषेक का जो मेरा दोस्त है अभिषेक, उसको भी मैंने कहा था, लेकिन वो भी मुझे कुछ बताया नहीं, सॉरी, वरना मैं आने वाला था। कोई बात नहीं, अब दूसरी बात तो दूसरी शादी थोड़ी होगी मेरी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अलग चलेगा, अब दूसरे दोस्त की शादी में जाना ही पड़ेगा, वरना सबको यार गलत लगता है कि वो नहीं आ रहा है ऐसा। अभी तो मैं घर पर ही हूँ जस्ट, तो बाहर जाते हो देखते हैं क्या माहौल है, देख सकते हो। तो अपनी धनो यहाँ पर खड़ी है, सभी हम ला गए हैं सब्जी लेने के लिए, देख सकते हो यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट तो है पर आप देख सकते हो। तो गाइज अभी हम कर देते हैं इस व्लॉग का एंड, आई होप के व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए HD व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।